हेलो दोस्तों, एनाटॉमी ऑनलाइन में मैं डॉक्टर परमानंद अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं। हम आज बात करने वाले हैं एक्सेप्शन इन हेड नेक फेस एनाटॉमी, स्पेसिफिकली जो मसल से रिलेटेड है। इसके लिए हमने एक टेबल बनाया है जिसे हमने डिवाइड किया है रीजन, उसमें जो मसल्स हैं उनका नर्व सप्लाई, जो एक्सेप्शंस हैं वो मसल्स का नाम और फिर उस मसल का नर्व सप्लाई। तो चलिए हम पहले रीजन से स्टार्ट करते हैं। आई, जितने भी आई के एक्स्ट्राओकुलर मसल्स हैं उन्हें कौन सप्लाई करता है? ऑकुलोमोटर नर्व। उस ऑकुलोमोटर नर्व इज थर्ड क्रेनियल नर्व। यहाँ एक्सेप्शन दो मसल्स हैं, एक है सुपीरियर ओब्लिक, दूसरा है लेटरल रेक्टस। इसे हम याद कर सकते हैं SO4 LR6 निमोनिक से भी। सुपीरियर ओब्लिक मसल जो है उसे फोर्थ क्रेनियल नर्व जो कि ट्रोक्लियर नर्व है सप्लाई करता है। लेटरल रेक्टस को सिक्स्थ क्रेनियल नर्व जो कि एब्डोसेंट नर्व है वो सप्लाई करता है। नेक्स्ट रीजन पे जाते हैं, दैट इज पैलेट। पैलेट के हर मसल को क्रेनियल रूट ऑफ एसेसरी नर्व जो कि 11th क्रेनियल नर्व है वाया फेरिंजियल प्लेक्सस सप्लाई करता है। इसमें एक्सेप्शन है टेंसर वेलाई पैलेटी, उसे कौन सप्लाई करता है? मैंडिबुलर नर्व जो कि 5th क्रेनियल नर्व का ब्रांच है। नेक्स्ट रीजन इज टंग। टंग के जितने भी इंट्रिंजिक मसल्स या एक्सट्रिंजिक मसल हैं उन्हें कौन सप्लाई करता है? हाइपोग्लोसल नर्व जो कि 12th क्रेनियल नर्व है। इसमें एक्सेप्शन क्या है टंग के रीजन में? इट इज पैलेटोग्लोसल मसल, उसे कौन सप्लाई कर रहा है? क्रेनियल रूट ऑफ एसेसरी नर्व। मूविंग टू फेरिंग्स, फेरिंग्स के जितने भी मसल्स हैं उन्हें कौन सप्लाई करता है? क्रेनियल रूट ऑफ एसेसरी नर्व वाया फेरिंजियल प्लेक्सस। फेरिंग्स केस में एक्सेप्शन है स्टाइलो फेरिंजियस, जिसे कौन सप्लाई करता है? ग्लोसो फेरिंजियल नर्व जो कि 9th क्रेनियल नर्व है। नेक्स्ट लेरिंग्स, लेरिंग्स के जितने भी मसल्स हैं उन्हें रिकरेंट लेरिंजियल नर्व सप्लाई करता है जो कि 10th क्रेनियल नर्व है। लेरिंग्स के केस में एक्सेप्शन क्या है? क्रिकोथायरॉइड। क्रिकोथायरॉइड मसल को कौन सप्लाई करता है? एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व, एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व। इंफ्राहायड ग्रुप ऑफ मसल जो है उन्हें सप्लाई करता है अंसा सर्वाइकल्स। इंफ्राहायड ग्रुप को अंसा सर्वाइकल्स सप्लाई करता है। वहाँ एक्सेप्शन है थायरोहायड। थायरोहायड मसल, उस थायरोहायड मसल को कौन सप्लाई करता है? हाइपोग्लोसल नर्व। अब इस टेबल को देखने के बाद हम चलते हैं, हम बस फोकस करेंगे एक्सेप्शन के ऊपर में। सो फर्स्ट आई के जो एक्सेप्शन मसल्स हैं उनका नाम है सुपीरियर ओब्लिक एंड लेटरल रेक्टस सप्लाइड बाय फोर्थ एंड सिक्स्थ क्रेनियल नर्व। देन पैलेट, पैलेट के जो एक्सेप्शन मसल का नाम है टेंसर वेलाई पैलेटी सप्लाइड बाय 5th क्रेनियल नर्व। टंग, टंग में जो एक्सेप्शन वाला मसल है वो है पैलेटोग्लोसल मसल सप्लाइड बाय क्रेनियल रूट ऑफ एसेसरी नर्व। फेरिंग्स, फेरिंग्स में जो एक्सेप्शन वाला मसल है उसका नाम है स्टाइलोफेरिंजियस, स्टाइलोफेरिंजियस जिसे कौन सप्लाई करता है? 9th क्रेनियल नर्व। लैरिंग्स, क्रिकोथायरॉइड सप्लाइड बाय एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व। देन इंफ्राहायड सप्लाइड बाय, इंफ्राहायड ग्रुप में थायरोहायड मसल सप्लाइड बाय हाइपोग्लोसल नर्व। सो इस टेबल का देखने के बाद अब हमारा काम है, हम नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे जो है MCQ वाला सेक्शन। अब MCQ में हमें देखना है जो हमने अभी पढ़ा उसे क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। अब ऑल फर्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। ऑल द एक्स्ट्राओकुलर मसल्स ऑफ आई आर सप्लाइड बाय ऑकुलोमोटर नर्व एक्सेप्ट, यहाँ एक्सेप्शन पे ध्यान देना है, आपको एक्सेप्शन बताना है। सो इट इज, चार ऑप्शंस हैं, आप देखेंगे बी ऑप्शन इज लेटरल रेक्टस, सो आपको LR मिल गया। दूसरा ऑप्शंस की ओर चलेंगे हम। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा, सुपीरियर ऑब्लिक मसल इज सप्लाइड बाय, आप याद करेंगे ये एक्स्ट्राओकुलर मसल में दूसरा एक्सेप्शन था, हम SO4 LR6 SO4 4 इज ट्रोक्लियर नर्व, सो दिस इज द ट्रोक्लियर नर्व, सेकंड ऑप्शन। मूविंग ऑन, ऑल द फॉलोइंग मसल्स आर सप्लाइड बाय एसेसरी नर्व वाया फेरिंजियल प्लेक्सस एक्सेप्ट। एक्सेप्शन यहाँ पे आप ध्यान देंगे ऑप्शन बी में अगेन, तो इट इज स्टाइलोफेरिंजियस
क्योंकि हमने पढ़ा था स्टाइलोफेरिंजेस वॉज सप्लाइड बाय ग्लोसोफेरिंजल, दैट इज द नाइन्थ क्रेनियल नर्व. सो एंसर हियर विल बी अगेन. फिर इसके बाद जो आप ऑप्शन देखेंगे उसमें फिर से वही ऑप्शंस हैं, क्वेश्चन बदल गया है. ओनली मसल सप्लाइड बाय ग्लोसोफेरिंजल नर्व, ओनली मसल सप्लाइड बाय ग्लोसोफेरिंजल नर्व इज स्टाइलोफेरिंजेस. अगेन विल मूव नेक्स्ट. ऑल मसल्स ऑफ लैरिंग्स आर सप्लाइड बाय रिकरेंट लैरिंजियल नर्व एक्सेप्ट. अब हमें लैरिंग्स में याद करना है, एक्सेप्शन वहां पे क्या था, क्रिकोथायराइड. सो आंसर हियर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज क्रिकोथायराइड. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द फॉलोइंग मसल्स आर सप्लाइड बाय अंसा सर्वाइकलिस. जैसे ही अंसा सर्वाइकलिस आता है हमें ध्यान देना चाहिए कौन से ग्रुप ऑफ मसल है, इंफ्राहायोइड ग्रुप ऑफ मसल, हायोइड बोन के नीचे इंफ्राहायोइड ग्रुप ऑफ मसल्स, उनमें एक्सेप्शन में हमने ध्यान दिया हो तो क्या था आंसर, थायरोहायड. सो दोस्तों हमने देखा कैसे टेबल से हम इतने सारे एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक आवर चैनल, दैट इज़ एनाटॉमी ऑनलाइन, एंड वी विल मीट सून. थैंक यू.